नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल जो लाइफ टाइम रिव्यू होता है वो मोटो एच 40 नियो यूजर से जो है जानेंगे। मेरे साथ में है यहाँ पे अखिलेश और उन्हीं से मैं जो पूछूंगा उनका यूज केस एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा। बाय द वे, जो फुटेज आप लोग देख रहे हैं वो मोटो एच 40 नियो से ही रिकॉर्ड हो रही है, तो एक मिनट की जो है ये स्टार्टिंग फुटेज रहेगी। उसके बाद में जो है अखिलेश जी खुद इस मोबाइल को पकड़ेंगे और हम जो है इनसे तमाम तरीके के सवाल जो करेंगे। देखिए क्या होता है, जो प्रोफेशनल टेस्टिंग होती है यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत ही मैं कहूंगा चुनिंदा यूज केस सिनेरियो को दिखाती है। वेरस रियल लाइफ टाइम में हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग फोन को उतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, ना गेमिंग उतनी ज्यादा यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो रियल लाइफ टाइम पे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो वो सब चीजें जो है मैं यहाँ पे आज अखिलेश जी के द्वारा जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आगे का इंटरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बताइए अखिलेश जी, आपका बजट क्या था इस फोन को लेने के लिए? मेरा बजट था 22,000। और दूसरे क्या ऑप्शंस आपने देखे? मैंने देखे वीवो T3 प्रो और iQOO G7 प्रो। उसके बाद आपको ये नया लेने की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत यही थी कि मेरे पास फोन जो था उसकी फास्ट चार्जिंग नहीं थी, कुछ कैमरा वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता था, जमाने के लिए कर्व डिस्प्ले लोगों के पास देखता था, तो मेरी भी इच्छा होने लगी लेने की, तो फिर मैंने तो इसको जो है आप EMI पे लिया है आपने या कैश में लिया हुआ है? कैश लिया है। कोई ऑफर्स थे उस टाइम पे? हाँ, मुझे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का कार्ड का मिला था, 22,999 की MRP थी और मुझे पड़ा है ये 20,000 रुपये का। ठीक है। और आपका डेली यूज केस क्या रहता है इस मोबाइल को लेके? लगभग 6 घंटे से यूज करता हूँ नॉर्मली, सब फेसबुक, इंस्टा, गेमिंग, मूवीज वॉचिंग, सब कुछ सही चलता है। इसमें अच्छी चीज़ें आपको क्या लगी इस मोबाइल में? इसकी हर एक चीज़ अच्छी है, इसकी कैमरा, डिस्प्ले, लुक्स, फास्ट चार्जिंग, हर एक चीज़ अच्छी है, बस यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। कुछ एक आध कमियाँ लगी आपको इस फ़ोन में? कमी तो खैर कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा क्या है कि स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से आपको वो और फीचर्स नहीं मिल जाते जो कस्टम यूजर वाले देते हैं। हैंग करता है आपका मोबाइल? कभी आज तक हैंग नहीं हुआ। आप इसमें गेम्स खेलते हैं? हाँ, पर डे 1-2 घंटे गेम खेलता हूँ, कॉल पे बात भी करता हूँ, सब करता हूँ। अच्छा, ये मोबाइल कभी गिरा है आपका वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, जब लिया था गलती से मैं कॉल पे बात कर रहा था, अचानक से बात करते करते कुछ काम आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, फोन स्लिम ज़्यादा है मेरे से, मतलब फिसल के गिर गया था, लेकिन कोई दिक्कत ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, स्क्रैच भी नहीं आया। अच्छा, इसके साथ जो आपको कवर मिलता है क्या वो वाकई में लगाने लायक है या आपको दूसरा लेना चाहिए? कवर सिंपल कवर रहता है, लेकिन आपको जो मिलता है ना, फिर मैंने दूसरा खरीदा है 100 रुपीज का। हाँ। कवर ज़्यादा अपनी अपनी पसंद है, जिसको जैसा पसंद हो। अच्छा, अभी तक तो कोई स्क्रैचेस आए स्क्रीन पे? नहीं, स्क्रीन पे मैंने 15 दिन में गिलास दिलवा लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो स्क्रीन गार्ड चढ़ाने पे कोई दिक्कत होती है क्योंकि ये कर्व्ड स्क्रीन है इसलिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद से मत चढ़ाइए, बस दुकान पे जाके चढ़वाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। इसकी स्पीकर क्वालिटी कैसी है? स्पीकर तो वन ऑफ द बेस्ट, 25,000 में भी आपको इससे अच्छा स्पीकर क्वालिटी नहीं मिल सकती। या डुअल स्पीकर है या सिंगल स्पीकर है? डुअल स्पीकर प्लस डॉल्बी एटमोस सपोर्ट है इसमें। इसमें ऑडियो जैक आपको मिलता है? नहीं, ऑडियो जैक बस यही एक चीज कमी है, क्योंकि इसमें IP68 रेटिंग दी गई है, इस वजह से फोन को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए जैक हटा दिया है। और इसके जो साइड बटन है उनके बारे में बताइए, क्या वो क्लिकी हैं या फिर अंदर ही दबे दबे रह जाते हैं? नहीं, क्लिकी नहीं है, मतलब ना दबे हुए, नॉर्मली चलते हैं जैसे और फोनों के चलते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद में इसमें आपको ऐप लॉक मिलता है? ऐप लॉक नहीं मिलता इसमें, यही थोड़ा दिक्कत है बस, शायद एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा जब इसमें तब मिल जाएगा। अच्छा, इसके बैक पैनल के बारे में बताइए। बैक पैनल इसका वीगन लेदर का है, बिल्कुल स्मूथली है, अच्छा लगता है, प्रीमियम लुक लगता है कि आप महंगा फ़ोन चला रहे हैं। जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाता? नहीं, ख़राब तो इसमें अभी तक तो कोई शिकायत, 1 महीना से चला रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। तो ये था दोस्तों रियल लाइफ रिव्यू मोटो एज 40 नियो का। आपके क्या इसके बारे में थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।